आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नेशनल हेराल्ड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय में पेशी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह और पैदल मार्च जैसे आंदोलन का आगाज कर चुकी है, तो वही दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च भी किया। इसी कड़ी में हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से नजरबंद किए जाने को लेकर बातचीत की। ईडी के दफ्तर में आज राहुल गांधी की पेशी है, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता हाउस अरेस्ट भी किए गए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो कि आज हाउस अरेस्ट किए गए हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, आज हाउस अरेस्ट किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज श्रीमती सोनिया गांधी, हमारी जो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की को जो एक सुनियोजित ढंग से फंसाया गया है, सर्वविदित है, मामला कोर्ट में है, ईडी ने उसके बावजूद भी उनको तलब किया है, तो उसके विरोध में आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने जा रहे थे, जिसके तहत सुबह 7 बजे से दर्जनों, कई दर्जन पुलिसकर्मी, महिला पुलिस मेरे घर के चारों तरफ लगा दिए गए और घर से बाहर निकलने को मना कर दिया गया। संविधान के तहत शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने का अधिकार सबको है। अब कहते हैं कानून व्यवस्था खतरे में है। अरे भाई, कांग्रेस ने जितने भी कार्यक्रम किए हैं, जितने भी धरना प्रदर्शन किए हैं, कहीं भी कानून को हाथ में नहीं लिया है, कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं किया है, कहीं भी आगजनी नहीं की है। ये तो जिनकी सरकार है, जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये जरूर करते थे। इन्होंने तो यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री किया, इन्होंने स्टैचू बना के, प्रतिमा बना के उसमें आग लगा दी, पुतला बना के उसको फूंक दिया, तोड़फोड़ किया, आगजनी की, ये हमारा काम नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने जा रहे थे, जिसको इन्होंने कहा कि 44 धारा लगा दी गई, 144 धारा कल शाम को आपने लगा दी, केवल और केवल कार्यक्रम को देखते हुए लगा दी। इससे पहले क्यों नहीं लगाई आपने? आप डर की सत्ता कायम करना चाह रहे हैं, 144 धारा लगा दी। मेरी पत्नी विधायक थी, पूर्व विधायक है, इस समय गंभीर रूप से बीमार, और उनको कल जो है एशिया के सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर, एक जाने माने डॉक्टर, डॉक्टर मजर हुसैन का ये पर्चा है, कल मैं दिखा के लाया हूँ, अंदर पड़ी हुई, उन्होंने गंभीर रूप से, उन्होंने ये जांचें लिखी हैं, ये जांचें लिखी हुई हैं, ये लिखी मिसेज नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मिसेज, मिस्टर नहीं, मिसेज, मेरी पत्नी का ये पर्चा है, ये जांचें लिखी, ये जांचें जो है कराने के लिए आज हमने टाइम ले रखा था। कहते नहीं साहब, वो भी विधायक थी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, अंदर करा रही है। अरे, उस महिला के खिलाफ आज तक कहीं कोई मुकदमा होने का सवाल ही नहीं है। सजाए याफ्ता भी अगर कोई होता है, मौत की जिसको सजाए मौत दी जाती है, अगर वो बीमार होता है, तो अगर एम्स में इलाज होता तो दिल्ली, लखनऊ से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, बनारस से, वो दिल्ली ले जाकर के पूरे हिंदुस्तान से जाके दवा कराई जाती है। आज मेरी पत्नी घर में पड़ी हुई है, नहीं साहब पुलिस बाहर है, महिला पुलिस है, नहीं साहब आप जांच नहीं करा सकते। ठीक है भाई, 144 धारा में ये भी मना है? किस धारा में, किस नियम में, किस कानून में ये लिखा हुआ है कि बीमार इलाज ना करावे? आप जुल्म कर रहे हो। अगला मेरा जहां तक सवाल है, आपने कहा 144 धारा लगा दी, 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। आज मेरी 2 अदालतों में लखनऊ में पेशी है, एक स्पेशल कोर्ट MLMP, एक ACGM के यहाँ है, धरना प्रदर्शन के केसेस हैं। आज मुझे वहाँ जाना था, मैंने पुलिस से कहा कि भाई आप अपनी कस्टडी में मुझे वहाँ ले चलो, धरना प्रदर्शन में नहीं जाने देना चाहते, सत्याग्रह में नहीं जाना चाहते, मुझे वहाँ ले चलो, कोर्ट में मेरी पेशी करा के मेरे घर में छोड़ दो, अपनी गाड़ी में ले चलो, मेरी गाड़ी में ले चलो, वरना वहाँ से मेरा कुर्की वारंट जारी हो जाएगा।
और जब अदालत ने मुझे बुलाया है और आप नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब अदालत के आदेशों की अवहेलना है। आदेशों की अवहेलना हो कोई बात नहीं, कहते उच्च आदेश नहीं है ऐसे कि आप घर से बाहर निकलें। क्या हो रहा है, कौन सी सरकार चल रही है? सत्याग्रह आप रोकेंगे? अरे सत्याग्रह अगर गांधी जी नहीं करते, नेहरू जी नहीं करते, मौलाना आजाद नहीं करते, सरदार पटेल नहीं करते, बोस जी नहीं करते, तो आज ये देश आजाद नहीं होता, अंग्रेजों के हम गुलाम होते। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आज वो सत्याग्रह से रोक रहे हैं। सत्याग्रह करने से ना रोक पाएंगे किसी कांग्रेसी को, ना रोक पाएंगे, हर कांग्रेसी सत्याग्रह करेगा। आप हमको रोकेंगे, हम देखते हैं, हम माननीय राहुल जी की टीम के हैं, हम माननीय सोनिया जी के, हम प्रियंका गांधी जी की टीम के हैं, आप हमको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हम अपने घर के आंगन में सत्याग्रह करेंगे। हर कांग्रेसी सत्याग्रह करेगा। सर ये बताइए, जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है, अभी ईडी के दफ्तर में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, तो सर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की आगे की रणनीति को लेकर? रणनीति के बारे में सुबह से 7 बजे तो मुझे अंदर कर दिया, मैं तो किसी से मिल नहीं पा रहा, मैं तो किसी से बात नहीं कर पा रहा। रणनीति के बारे में तो मैं जब बताऊं, जब मैं किसी से मिल पाऊं, जब मैं किसी से अपनी भावना और दूसरों की भावना आपस में हम शेयर कर सकें, तब हम किसी नतीजे पे पहुंचे ना। सर अभी यूपी में लगातार हिंसाएं हो रही हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों के घर भी तोड़े गए हैं जो दोषी माने गए हैं, ठहराए गए हैं, सर इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसने दोषी ठहराया? दोषी ठहराने का अधिकार केवल अदालत को है। क्या अदालत ने दोषी ठहरा दिया? अगर अदालत ने दोषी ठहरा दिया और अदालत ने आदेश दे दिया घर तोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल घर तोड़ देना चाहिए, ये तो दोषी की बात हो गया। अब रह गया आरोप। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन सर पत्थरबाजी की घटना में तो उनका नाम आ रहा है। मैंने आपको कहा ना कि कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने कानून लिया है तो कानून में ये व्यवस्था है कि किस जुर्म के लिए क्या करना है। अगर किसी ने किया है, आरोप है, तो कानून के तहत अगर जो बनता है आप वो करो। भाई मैंने पत्थरबाजी अगर की है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ना। मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर मेरे भाई का है, मेरे भाई ने पत्थरबाजी नहीं की है, वो एक शांतिप्रिय आदमी है, वो घर में बैठा हुआ है, तो अगर मैं उसके घर में रहता हूँ तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा। पहले जांच करना चाहिए कि घर किसका है, तब उसमें हाथ लगाना चाहिए। दूध पीते बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे बिलखते बाहर निकाल रहे हो आप, सामान निकाल के बाहर फेंक रहे हो, ये कौन सी मानवता है भाई? तार तार हो गई मानवता। डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं और कायम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं। जो मुल्जिम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लपेटे में उसकी पत्नी को, उसको भाई को, उसके बेटों को, उसके बच्चों को, बेटे के बेटों को, दूध पीते बच्चों को खामियाजा भोगना पड़े, हम इसके विरोध में हैं। जिसने जुर्म किया, क्राइम किया, वो बचना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बात करके बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं हारने वाली। कैमरा मैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय में पेशी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह और पैदल मार्च किया, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च भी किया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा से नजरबंद किए जाने को लेकर बातचीत की। हमारे साथ कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं, जिन्हें आज हाउस अरेस्ट किया गया है। मैम ये बताइए, हाउस अरेस्ट किया गया है आपको और नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लगभग एक दर्जन से ज़्यादा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को जो बाहर से आ रहे थे उनको आने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रदेश कार्यालय मुख्यालय पर हमारे नोटिस चस्पा कर दी है और हमें पीसीसी कार्यालय तक नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, प्रजा लोकतंत्र की हत्या है। हम तो शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, ये महात्मा गांधी का देश है, कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा पर चलती है, हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमेशा किया है
और ये हमारी जिम्मेदारी भी थी, पर नैतिकता के आधार पर एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमें कुछ सवाल सरकार से भी पूछने थे और हमें उनकी जनता की आवाज़ को उठाना है। तो जब जब हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ को इसी तरह से बंद करने का प्रयास करती है। जहाँ तक ईडी की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी को अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है अपने विपक्ष के नेताओं पर। जो मामला सबजुडिस है उसमें पहले ईडी नोटिस देती है। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी, वो समन को ससम्मान उसको स्वीकार करते हैं और आज राहुल जी गए वहाँ पे ईडी दफ्तर में, उन्होंने मना तो नहीं किया। अगर उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक परिवार की तरह खड़ा होना चाहते हैं तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? कौन सा डर है सरकार को? क्योंकि उनको लगता है कि आज लाखों कार्यकर्ता जो जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर सड़क पे आ जाएगा तो सरकार को ये सरकार का डर ही तो दिखाई दे रहा है। तो मैं तो पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूँ। क्या लगता है आपको कि जो सरकार है वो क्या खुफिया तंत्र और जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? भीषण दुरुपयोग कर रही है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आप धारा 144 की बात करते, धारा 144 में स्पष्ट है कि आप चार व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते। पर आप मुझे बताइए, लखनऊ में आप भी घूमते होंगे, कहाँ धारा 144 आपको लागू होती दिखाई दे रही? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो रोक दिए गए हैं, या उनको कोई विशेष परमिशन दी गई? जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं क्या उनको रोका गया है, या उनको आपने कोई एग्जेम्पशन दिया है? आपने दिया है तो आप हमें बताइए, हम भी उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, हमें भी शांतिपूर्वक ये मार्च करने दीजिए। पर सरकार डरती है। ये सच और झूठ की लड़ाई है और सच की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अब एक साथ खड़ी है, एकजुट होकर के खड़ी है। मैम, एक आखिरी सवाल था, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं। ना वो महंगाई पर असफल हो चुकी है पूरी तरह से, वो बेरोज़गारी पर असफल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर पर असफल हो चुकी है। जिस तरह से जीडीपी बढ़ती चली जा रही है, घटती चली जा रही है देश की, इस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आरबीआई के जो निर्णय हैं वो बता रहा है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पर सरकार के पास इन किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लिया। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए ये कर रही है, पर इसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे, हमें जनता की आवाज़ पर, जनता की अदालत में हमारे साथ न्याय होगा, इसका हमें विश्वास। ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधान मंडल की नेता राधा मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं वो पक्षपात की राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ चलना चाहती है। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में पत्थरबाजों द्वारा उपद्रव किया गया था, जिसमें अब तक 92 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। वहीं विकास प्राधिकरण की टीम 37 लोगों के अवैध मकान और दुकान को चिन्हित किया है, जिस पर पीडीए का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। धीरे धीरे लोग अपने दुकान का सामान भी हटाने लगे और लोगों का कहना है कि प्रशासन से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली है। अब लोकल पेपर में दिया गया है, हाँ इधर टूटे फूटेगा, इसके लिए हम लोगों ने अपना इंतजाम पहले से देख रहे हैं करने के लिए, और हटा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, और क्या करेंगे। तो मतलब कोई नोटिस वोटिस नहीं मिली हम लोग को, ना कोई इत्तला दिया गया है। हाँ, तो मतलब अपने एहतियातन, हाँ एहतियातन हटा रहे, क्योंकि बन चुका हुआ है, सामान खराब हो जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। बुलंदशहर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक नूपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और आईटी एक्ट के धाराओं में केस दर्ज किया और पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। बता दें, सारा मामला खानपुर क्षेत्र के थाना वार्ड का पूरा मामला सामने आया है।
वहीं अमेठी जिले के बॉर्डर पर लाइट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ट्रेनी पायलट बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार ट्रेनी पायलट अभय पटेल ने सुबह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी एयरपोर्ट से प्रशिक्षण उड़ान भरी थी। उड़ान भरने से थोड़ी देर बाद ही हवाई अड्डे के पास मोहम्मदपुर चुरई गाँव में खेतों में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। फिलहाल इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं किया है। खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली इलाके में सीओ कोतवाली महेश चंद्र गौतम की अगुवाई में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की अपील की गई। सामान्य रूप से शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस की ड्रिल कराने के लिए, क्षेत्र में शांति व्यवस्था, लोगों में विश्वास जागृत रहे, इसके लिए हम लोग अपने नॉर्मल गश्त पर हैं, ताकि क्षेत्र में किसी आदमी को यह न लगे कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना कर सकती है जो वर्तमान में अफवाहों में लोग प्रचलित करना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासियों से? एक ही अपील है, कृपया किसी ऐसी सूचना पर जो आपको विश्वसनीय ना हो अपने आप विश्वास न करें। अगर आपको लगता है तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में रहें, वार्ता करें, उन्होंने जानकारी भी दे दें। शहर पूर्ण रूप से शांत और अमन के साथ चल रहा है। सर कहाँ से निकाले गए फ्लैग मार्च? फ्लैग मार्च हम यह कोतवाली से होते हुए, अमरोहा गेट से होते हुए, मंडी चौक से लेके सारे एरिया में भ्रमण कर रहे हैं। बलियारोती थाने के इंस्पेक्टर रामायण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं और पीड़ित युवक ने इंस्पेक्टर के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई है उस दिन युवक दिल्ली के अपने आवास पर था। मेरे खिलाफ बीते 5-4 दिन पहले 7 जून 2022 को थाना रेवती इंस्पेक्टर रामायण सिंह ने मेरे चाचा कन्हैया पांडे के साथ मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा, जिसमें मेरे खिलाफ मारपीट और खेत कब्जा करने का मुकदमा दाखिल कर दिया, जो पूर्णतः फर्जी है, जिसके सबूत के रूप में मेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, गांव आना जाना कम होता है, और 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, हर दिन की मेरे पास सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, जो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। रायबरेली गंगा घाट नहाते समय भाई और बहन नदी में डूब गए, जिसके बाद एसडीएम विजय कुमार और तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को नदी में उतरवाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल गोताखोर डूबे युवक और युवती की तलाश में जुटे हुए हैं। आज घर से परिवार के लोग यहाँ गंगा स्नान करने आए थे जी, और एक हमारे रिश्तेदारों का लड़का और भतीजी जी, ये गंगा स्नान करने यहाँ डूब गए हैं, पता नहीं लग रहा, प्रयास किया, यानी एसडीएम साहब भी आ गए हैं जी, और जाल पड़ा है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा प्रयास कर रहे हैं। अपने डूब गए? हाँ डूब गए। ऐसा है कि आज करीब 9:30 बजे 4 बच्चे गंगा जी में नहाने के लिए आए हुए थे। गंगा के पास ये फतेहपुर साइड में जो गंगा बहती है उस साइड में नहाने के लिए आ गए। लगभग 9:30 बजे के आसपास ये गंगा जी में नहाने के लिए गए। इनमें से एक लड़की जिसका नाम विदुषा है, जिसकी उम्र 24 साल है, तथा एक लड़का आशुतोष गुप्ता जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, ये डूब गए। और यहाँ पर जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा गोताखोर लगाकर उनकी तलाश की जा रही है, जाल भी लगाकर तलाश की जा रही है, कांटा लगाकर तलाश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि डेथ बॉडी जल्दी से जल्दी मिल जाए। सर ये 4 लोग आए थे क्या, पूरे फैमिली के साथ आए थे? ये बताया गया है कि 4 लोग नहाने के लिए आए थे, फैमिली वाले भी साथ थे। गोताखोर डूबे युवक की तलाश में फिलहाल जुटे हुए हैं। अभी तक डूबे हुए युवक और युवती का कोई पता नहीं चला। बता दें कि युवक और युवती अपने माता पिता के साथ, परिवार जनों के साथ गंगा स्नान करने के लिए आए थे, जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। खबर कानपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष के समर्थक और सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के चलते सपा नेता को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बता दें इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। संवाददाता उपेंद्र अस्थाना इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। उपेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है जिसके चलते मारपीट की घटना सामने आई है?
जी आप बता रहे जो कानपुर में जो लाल बंगले का मामला पूरा एवन रोड का पूरा मामला है, और उसके बाद आप बता रहे जो इसमें जो है दो प्रॉपर्टी डीलरों का पूरा विवाद था, उसमें जमीन और कब्जा लेकर के जाना था, और जो एक प्रॉपर्टी डीलर था वो भाजपा थोड़ा समर्थित था, और दूसरा जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे फतेह बहादुर सिंह जो गिल थे उनके साथ मारपीट हुई है। जी अभी विधायक की हालत कैसी है, उन्हें कहाँ पर भर्ती कराया गया है? जी आप बता दें विधायक प्रत्याशी जो हैं उनको जो है स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए काशीराम हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है, और उसके बाद जो है पुलिस जो है भाजपा से जो समर्थित प्रत्याशी समर्थक लोग थे जिनसे विवाद हुआ था उनके खिलाफ तहरीर ले ली गई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।